नितेश के लिए जोरदार क्लैप्स। कांग्रेचुलेशन। देखो हथियार है इनके पास ऑलवेज साथ में। तो नितेश सबसे पहले ये बताओ आप है कहाँ से? मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ सर। नागपुर से है ये बुक क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। ये मेरा फ्यूचर है अभी आने वाला। देखो भाई थोड़ा मैं पास से बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बनाए थे इस तरह से। ये आप कॉपी करें कि समझ के बनाए? सर खुद से बनाया है। तो मेरी मेहनत है। ये हमारा ही डाटा है ना जो मोबाइल में जो कितना भी काम में आता है आपको। यस सर। इतना सब कुछ बना दिया आप तो ये समझ के बनाए। ये सब पता है क्या है क्या नहीं? हाँ सर सारा चीज बता सकता हूं। इसी का बना लिया ऐसा कल के दिन कोई नया आईसी आ जाता है। ये तो स्मार्ट पीए है ठीक है, जो कि रिंगर आईसी है लेटेस्ट सेटों में आ रही है। तो कल के दिन कोई और आईसी आ जाए बना सकते हैं आपके पास। पावर सेक्शन देखो कितना अच्छा बना है, थोड़ा करीब से बताओ भाई। तो इस तरह की मेहनत यहाँ पे कराते, जो स्टूडेंट थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना चाहते एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते तो वो इस तरह से भी ड्रा कर सकते। सारी चीज़ यहाँ पे हर स्टूडेंट के पास होता है ऐसा। हालांकि तो कोई थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके इस तरह से बना, इतना फेयर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी भाई आपको? सर इसी से तो मैं आगे और अपने खुद को और ज़्यादा अच्छा बना पाऊँगा, क्योंकि मैं एकदम फ्रेशर हूँ। मैंने इसके पहले कभी फ़ोन भी नहीं खोला था। मैं काउंटर पर बैठता हूँ अपने, और वहाँ पर फ़ोन सेलिंग और जो एसेसरीज है वो करता हूँ, और जो मेरे बड़े भैया है वो रिपेयरिंग के काम करते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताओ, आजकल बहुत सारा मार्केट में चल रहा है कि डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, दो स्टेप तीन स्टेप में मोबाइल बनाओ, क्या बोलना चाहेंगे? सारी चीज़ें फेक है, ऐसा नहीं होता है। एक दो स्टेप में नहीं बनता फ़ोन, जीरो से लेके 100 तक जाके उसको चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे फॉल्ट है। देखो हमारे हिसाब से ऐसा है, टेक्नीशियंस के हिसाब से मोबाइल का फॉल्ट अलग अलग तरीके का रहता जी। किसी में एक कैपेसिटर निकालो बन जाएगा, किसी में पावर रिवॉल्व कर दो, किसी में चार्जिंग एसी डाल दिए, किसी में सीपी में उसे रिवॉल्व कर दिए बन जाएगा। लेकिन जब ट्रैक ऑन की बात आ जाती, जब सिग्नल चेक करना है, जब वोल्टेजेस चेक करना है, तो उसमें दो तीन स्टेप में नहीं बनता, उसमें सारी चीज़ चेक करना है आपको सेक्शन में। अभी एक सैमसंग का मोबाइल है 60 पिन का कनेक्टर है ठीक है, 60 पिन में से आपको अगर से सारी की सारी 60 पिन में कौन सा लाइन किधर आ रही बता सकते क्या कोई? नहीं कोई। विदाउट डायग्राम तो कोई नहीं बता सकता, पूरे इंडिया में कोई नहीं बता सकता मेरे हिसाब से। तो किसी के पास उसको डायग्राम फॉलो करना ही पड़ेगा, किधर उसमें उसकी ग्राफिक की सप्लाई आ रही, किधर लाइट का सप्लाई आ रहा, किधर नीचे आ रहा है लाइन जा रही है क्या नेटवर्क के लिए, कहाँ पे आपको उसमें स्पीकर की सप्लाई जा रही है, माइक का सप्लाई किधर जा रहा है, कौन सा पिन पे कैसा चेक करेंगे जब नॉलेज ही नहीं है, डायग्राम नहीं है, 60 पिन में थोड़ी ना पता कर सकते। चलो कोई है वोल्टेजेस के हिसाब से थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा सकते, +5 आ रहा -5 आ रहा है इस तरह से, लेकिन सारे लाइनों के बारे में तो नहीं बता सकते है ना। कई बार अपने को काम करते करते नॉलेज हो जाता, पावर सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, MMC के वोल्टेजेस हो गए या दूसरे सेंसिंग लाइंस हो गए, बहुत बार आप काम करते रहते उसमें पता चल जाता। लेकिन ये बोलना बिल्कुल गलत है कि डायग्राम की कुछ वैल्यू ही नहीं है। बगैर डायग्राम के, डायग्राम भी चाहिए और हैंड स्किल भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। खाली एक टायर पर चले तो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो आप ये डायग्राम तो बनाए, सारा लाइन समझ में आया? यस सर। चलो ये इसकी बात तो हो गई, अब हैंड स्किल में बताओ। हैंड स्केल में काम सीखे यहाँ पे आके, ब्लैक पेस्ट, वाइट पेस्ट, आईसी का सर रिबॉल करना, सागर सर ने काफ़ी अच्छे से बताया मुझे। तो मतलब वो टूल्स आयरन किया तो पकड़ना भी नहीं आता था, फ्रेशर थे, मैंने कुछ देखा ही नहीं था। बहुत अच्छा है आप ये बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे काम करते भी नहीं, सब आता बोल के भी बोलते नहीं। सर जो था वो मैंने बताया सर से, मैंने डिस्कस भी किया था ये चीज़ के, पहले डिमोटिवेट हो गया कि कैसा करूँगा, आयरन कैसा पकड़ना, कौन से हाथ से पकड़ना वो तक नहीं बताता। हाँ सर बोले कि डरने का नहीं, बिंदास करने का, सब जीरो ही रहते करके। कभी नहीं बढ़े थे होंगे आप यहां से पहले? देखा भी नहीं था मैंने कि माइक्रोस्कोप भी यूज होता है करके। अभी आप बता रहे हैं ब्लैक पेस्ट खोल के ऑन फोन में लगा सकते हैं, ऑलरेडी कर लिया? मैंने M30 का एक फोन स्टार्ट किया। देखो भाई डबल डेकर। यस सर। वाह एक बार 2000 क्लैप्स कर दो भाई इनके लिए। अब आप सब लोग बताओ इन फेक बात बोल रहे क्या भाई? सबको बताया पक्का, क्योंकि एक स्टूडेंट को पैसे दे के बुलवा सकते हैं लेकिन सबको तो नहीं बोल सकते ना, वो भी फ्रेशर है। देखने वाले बिलीव नहीं करते, बोलते हैं किसी को पैसे दे के बैठा दिया भाई, ऐसे भी कमेंट करते करने वाले। इन्हों कभी मोबाइल माइक्रोस्कोप पे भी नहीं बैठे थे, खुद से हुआ मोबाइल बनाए, इतना अच्छा डाटा बनाए, तो ये इनकी मेहनत लगन है। ये तो स्टार्टिंग स्टेप्स है, अभी बहुत आगे जाना है इनको। यस क्या भाई? यस सर। तो आप ये बताओ यहाँ का ऑल ओवर कैसा रहा सफ़र आपका 20 दिन का? बहुत बढ़िया रहा, 20 दिन कैसे हो गए पता भी नहीं चला, आज फेयरवेल का दिन है। यही है कि आइए सही जगह पर, आइए सही नॉलेज लेके जाइए, बाकी इंस्टीट्यूट है वहाँ मत जाइए, करियर बनाइए और आगे बढ़िए। आप यहाँ कैसे आए फोन फिक्स में? वो जो हमारे साथ भैया रहते हैं वो आपको फॉलो करते, वीडियोस वगैरह आपके देख के सीखते हैं। अच्छा। उन्होंने बोले कि
अपने पास के जो काम है आईसी लेवल के वो वापस जा रहे हैं, आप जाओ सीख के आओ। अच्छा, आपके भाई भेजे मतलब? हाँ, जो भी थे उन्होंने मोटिवेट किए फिर मैं तो यहाँ भेजे आपको। इतने इंडिया में इंस्टीट्यूट है, कहीं पे 50-60 बच्चे भी बैठ के हैं। हाँ, तो वहाँ नहीं गए आप, इधर आ गए, ऐसा क्यों? सर बाकी सब फेक चीज ही है, यहाँ पे उन्होंने बोले प्रॉपर जाइए, करियर बनाना है तो जाइए, और अगर घूमना है फिरना है मस्ती करना है तो जाइए, पैसा वेस्ट करके आइए। तो जो सोच के आए थे मिला आपको? हाँ सर, बहुत कुछ मिला, मैं शेयर कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो भेजे वो भाई को क्या बोलना चाहेंगे आपके, जो पैसा लगा के भेजे? भाई डन। क्या बात है, एक बार इनके लिए 2000 क्लास करो। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप बिल्कुल फ्रेशर थे, इतना कॉन्फिडेंट आपके पास आया इसलिए कि आप हैंड स्किल का काम भी कर रहे हैं, डायग्राम भी बना रहे, लेकिन एक और चीज़ है, और आगे बहुत मेहनत करना है। इतना ख़त्म नहीं है ये तो शुरुआत है। ये मतलब एक छक्का तो मार दिए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी आता 6 के 6 छक्के भी मार के जिताना रहता मैच, तो उसके लिए और मेहनत करना है, आगे जाना है, ठीक है? और 2 महीने समझना अपने आप को, प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस करते रहो, जो भेजे उनको भी रिजल्ट दिखाते रहो, ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत कुछ आते रहता आगे, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे।